एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, मैंने नाश्ते में सिवैयाँ बनाई हुई हैं, नमकीन वाली, वही मैं पलट रही हूँ। सबको दे दिया है, मैं अपने लिए सर्व कर रही हूँ यहाँ पर। तो लास्ट में मैं बिल्कुल खाली करके मैं ही ले ले रही हूँ। मूंगफली के दाने भुने हैं, वो भी मैं इसमें डालूंगी। और कभी कभी जब बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगती है। मैं रोज रोज ये सारी चीज़ें नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ अच्छी बहुत लगती है। गर्मियों में ये सारी चीज़ें खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सूजी की बनी होती हैं, मैदे की नहीं। और यहाँ पे चाय ले रही हूँ थोड़ी थोड़ी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बच्चों को चाय बिल्कुल ना दूँ, लेकिन बस ये है, एक एक घूंट ज़रूर ले लेते हैं। मैं उसमें थोड़ा सा दूध मिला देती हूँ, इससे क्या होता है कि उनको पता नहीं चलता, हल्का सा कलर आ जाता है चाय का और बाकी का दूध रहता है। इसी बहाने बच्चे दूध पी लेते हैं, वरना फिर बहुत नखरे करेंगे। और दूसरे टाइम पे बच्चे दूध और बॉर्नविटा मिलाकर मतलब पीते हैं, तो ऐसा रहता है। उधर से कुछ आजकल पता नहीं चल रहा है कि वो किस टाइम क्या मांगने लगे। कभी कहता है मुझे बॉर्नविटा दूध दे दो, और कभी कहेगा मुझे मलाई ब्रेड दे दो। तो अभी वो उसकी डिमांड थी, मुझे मलाई ब्रेड खानी है। तो मैंने एक दो ब्रेड में मलाई लगा के चीनी डाल के इस तरीके से 3 पीस कर दिए हैं छोटे छोटे, ताकि उसको खाने में आसानी हो। और फिर मैंने जो मलाई जब बच ही गई है, एक टाइम की पूरी मलाई मैंने निकाल ली है, तो फिर हस्बैंड के लिए भी लगा देती हूँ। तो मैंने हस्बैंड के लिए भी एक मलाई सैंडविच बना दिया। और सच बताऊँ, मुझे भी मलाई सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बताइएगा, आप लोग खाते हो कि नहीं? तो बस इस तरीके से गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, हम लोग बिता रहे हैं। बहुत मन कर रहा है कि कहीं घूमने जाएं, लेकिन एक दिल ये करता है कहीं भी जाएं पैसे लगेंगे। और दूसरी चीज़ ये है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नौतपे चल रहे हैं इस टाइम, तो हर जगह आग ही बरस रही है। मतलब घर के अंदर मैं सोच रही थी कि अब मैं अपने घर पे आ गई हूँ, नया घर है तो थोड़ा ठंडा करेगा, या फिर मतलब मेरा घर का जो नीचे वाला पोर्शन है काफ़ी ठंडा रहेगा। मतलब ये सारी चीज़ें थी मेरे माइंड में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार की गर्मी तो पूछो ना क्या करना चाहती है, मतलब मेरी जान ही ले ले बिल्कुल, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। क्योंकि काम तो करना ही है किचन में, किसी भी टाइम आप किचन में आ जाओ, सुबह उठकर, रात में, दोपहर, दिन, उस हर टाइम मतलब ऐसा ही रह गया कि आग उगल रही है। और बस यहाँ पे मैं काम करने बैठी थी, तब तक ये आध्या कैमरे को देखो, देखो कितना मुंह बना के गई है। ये इसकी हरकतें हैं ना, वो मेरे सामने तो नहीं होती हैं, कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो गया। तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ या फिर एडिटिंग करने बैठी हूँ, तब मुझे समझ में आया है कि ऐसा कर रही है। बहुत शरारती है, इसको बहुत मन करता है आप सबसे बातें करने का। कभी कभी कुछ ऐसी ऐसी क्लिप्स मेरे पास पड़ी रहती है मोबाइल में, जो आध्या मतलब खुद से शूट कर लेती है। कभी वो ड्राइंग कर रही होगी ना, मैं सोचती हूँ चलो मैं दिखा दूंगी ड्राइंग, तो मैं सोच रोज रोज की ड्राइंग क्या दिखाऊं, लेकिन वो छोटी सी क्लिप अपनी बना के छोड़ ही देती है मेरे मोबाइल में कि हाँ आप लोगों से बात कर लेती हूँ। बहुत सारी बातें करती है आप लोगों से। तो कभी कभी मैं ब्लॉग में एडिट कर देती हूँ, कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन आध्या है ना रोज ही मेरे वीडियोस में आके बात करना चाहती है आप सभी से। आप लोगों को कितना पसंद है मुझे बताइएगा, एंड मुझसे भी अच्छी व्लॉगिंग करती है गाइस वो। अच्छा मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। ये जो सूटकेस है, ये सूटकेस में वहाँ से जब मैं आई थी रेंटेड हाउस से अपने खुद के घर में, तब मैं इसमें जो ऐसे ही कपड़े थे ना दक्ष और आध्या के, नए ही थे, तो मैंने उल्टे सीधे सारे भर दिए थे। तो मैंने सोचा कि अब इसको खाली कर देते हैं। तो जितने भी बचे, इसमें 2-4 कपड़े बचे थे, ज़्यादा नहीं, तो मैंने सब खाली किया। अब इसमें मैं वो कपड़े लगा रही हूँ जो एकदम नए भी हैं, और कुछ तैयारी भी कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं मायके जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहाँ जा रही है, क्यों बैग लगा रही हूँ। तो मैं मायके अपने जा रही हूँ, वहीं की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो कपड़े ले जाने के लिए रख रही हूँ वही रख रही हूँ। और मेरा ये बैग अभी 3-4 दिन बदलेगा, क्योंकि अभी मैं नहीं जा रही हूँ, अभी टाइम है जाने में। जाने में अभी मुझे हो सकता है कि 1 हफ्ता लग जाए, या फिर हो सकता है 5 से 6 दिन लग जाए। अभी कुछ फिक्स नहीं है, बस ये है कि हाँ मायके जा रही हूँ, तो उसी की तैयारी करने में लगी हूँ। जैसे ही फाइनल होता है कि हाँ जाएंगे, तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। फिलहाल अभी फाइनल तो नहीं हो रहा है, बस यही है कि लगा ले रही है कि ताकि बच्चों का भी मन हो जाए। बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, और कहीं बाहर हम लोग जा भी नहीं पा रहे हैं घूमने, क्योंकि बाहर कहीं भी घूमने कर निकलो तो पैसे लगते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है हमारे पास सबसे बड़ी, कि हम घर खाली करके छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए मैं मायके के लिए सोची हूँ। और आप लोगों की भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कि क्योंकि आप लोगों में से किसी एक ने मुझसे बोला था कि दीदी ज़रूर जाना मायके, नहीं तो फिर साल भर पछताओगी। तो जी हाँ, वो बात तो सत्य है कि हाँ मैं
मैं छुट्टियाँ में नहीं गई हैं, छुट्टियों में अगर 4-5 दिन के लिए भी नहीं गई ना तो फिर पूरा साल ही पछताएंगे। और बच्चे अभी स्कूल खुले ही थे और फिर बंद हो गए, और बच्चे घर पे ही हैं और उसके बाद फिर स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चे स्कूल जाएंगे, मैं भी बोर होंगी और बच्चे तो स्कूल जाके बोर होंगे ही क्योंकि उनको मायके जाने का बिल्कुल भी मौका, मतलब कहीं घूमने का मौका मिला ही नहीं, तो उनका भी थोड़ा मन बहल जाएगा। तो मैं तैयारी कर दे रही हूँ, बाकी सब कान्हा जी की मर्जी है, सारा कुछ कान्हा जी देखेंगे, मेरे घर को और मेरे मायके जाने को भी और या फिर कहीं भी जाने को भी, सब कुछ कान्हा जी देखेंगे। तो बस यहाँ पे मैं तैयारी है वो पूरी कर ले रही हूँ अपनी तरफ से। कुछ कपड़े भी मैंने मंगाए हुए हैं, वो भी मैंने रखने हैं, तो उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहती हूँ, तो वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा कि मैंने क्या क्या मंगाया है। एंड यहाँ पे इनके सारे कपड़े जो है मैं प्रेस करके रख के जा रही हूँ, जब से स्कूल बंद हुए हैं आधे दस की ड्रेस धुल तो गई थी, प्रेस हुई नहीं थी, तो दोनों बच्चों की ड्रेस भी प्रेस कर दे रही हूँ, साथ ही साथ सारे कपड़े जो इनके हैं वो प्रेस कर दे रही हूँ, क्योंकि जब से छुट्टियाँ हुई है मैंने एक भी जोड़ी कपड़े इनके प्रेस नहीं किए, क्योंकि उनको कहीं जाना है नहीं, तो मुझे लगा कि पड़े रहने दो, तो आज मेरे पास बहुत बर्डन था तो मैंने बहुत सारे कपड़े हैं ना वो भी प्रेस कर दिए हैं। और इस टाइम क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे और मेरे पति देव तीनों लोग सो रहे थे और लाइट आ रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी सी लगी थी, तो मैं दूसरे रूम में आकर फैन चलाकर आराम से प्रेस करने बैठ गई थी। तो मैं आज करीबन 2 घंटे 2.5 घंटे मैं प्रेस की हूँ, मेरे हाथ दर्द होने लगे थे, सच में गाइस बहुत दुखने लगे थे, बहुत सारे कपड़े थे। हे गाइस, ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे बट इससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी शॉपिंग जो कि मैंने अमेजोन से की है। एंड ये वीडियो माई हॉल स्टोर यानी एमएचएस हॉल की तरफ से कोलाबिशन वीडियो है, तो जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी उन सभी का बाय लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, माई हॉल स्टोर का एक लिंक मिलेगा जिसपे आप क्लिक करेंगे तो मेरे दिखाए गए सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अमेजोन पे सेल शुरू हो चुकी है जो कि आप अभी शॉपिंग करेंगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा फैशन एंड ब्यूटी पे, तो जाके शॉपिंग जरूर करिएगा एंड इस सेल का फायदा उठाइएगा। सो गाइस, अमेजोन पर शुरू हो चुकी है अमेजोन वार्डरोब रिफ्रेश सेल जो कि लाइव है 31 मई से 5 जून तक। यहाँ पर आप मिनिमम 50% से लेकर 80% तक ऑफ रहेगा ऑन 1500 प्लस टॉप ब्रांड एंड डील्स ऑन 3 लाख प्लस स्टाइल, तो जाइएगा यहाँ पे शॉपिंग जरूर करिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है इस बार। जितने भी मैंने कुर्ता सेट लिए हैं एकदम अलग है, सारे कुर्ता सेट एकदम डिफरेंट है, कलर में भी अलग है, साथ साथ डिजाइन पैटर्न सब कुछ अलग है। गर्मियों को देखते हुए इस बार की मैंने शॉपिंग की है, जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, अपने मायके ही जा रहे हो या फिर कहीं भी वेकेशन पे जा रहे हो तो आप इन्हें ले जा सकते हो और वहाँ पे कैरी कर सकते हो, एकदम कंफर्टेबल फील होंगे एंड लुकिंग वेरी स्मार्ट। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी चीज़ें ली हैं, पहले आपको दिखाती हूँ 1, 2, 3, 4 और 1 गेला 5, ये 5 कुर्ता सेट है जो मैं आपको एक करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं कौन सा दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ शरारा सेट जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और इसको मैं बहुत टाइम से लेना चाहती थी लेकिन लेते नहीं थी कि शरारा पहनूँ नहीं पहनूँ, यही सोच के नहीं ले रही थी। तो ये है शरारा सेट एंड ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा कम प्राइस में है। इसका फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा क्रेप में भी है, कॉटन में भी है, रियॉन में भी है, 3 कपड़ा टाइप का मिक्स है लेकिन है बहुत अच्छा। पूरे में ये फॉइल प्रिंट दिया गया है, इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। पीछे छोटा सा गला है, आगे की तरफ ये राउंड नेक है एंड ये छोटा सा यहाँ पे कट दिया, यानी ये वी हो जाएगा, ये धागा लगाया इससे हट जाएगा तो वी कट हो जाएगा एंड स्लीव इसकी एल्बो तक है और यहाँ इसमें गोटा पट्टी का वर्क किया गया है डिटेलिंग एंड ये फॉल सीलिंग बोल रही हूँ, फॉल प्रिंट की सारी प्रिंट है। इसमें शॉर्ट कुर्ता है क्योंकि नीचे इसमें शरारा दिया गया है एंड ये नेवी ब्लू कलर में है, ये कुछ इस तरीके का शरारा है, फुल्ली इलास्टिक है, यहाँ पे इस तरीके का घेर दिया गया है, ये भी काफ़ी घेर है, इसमें पहनने पे आपको इसका लुक अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके साथ में मिला है मुझे नेट का दुपट्टा ये जो कि चेन धुलने के बाद सही हो जाएगा, छोटा दुपट्टा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है दुपट्टा, थोड़ा सा कम मुझे वो लगा, ये देखिए इतना से यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब एक साइड आप डाल सकते हैं इतना तो प्रॉपर है एंड बस उतनी चौड़ाई है, ठीक है शरारा के हिसाब से साइड में डालने के लिए बढ़िया है। ये दुपट्टा दिया गया है, लुक कैसा लग रहा है इसका वो आप ट्राई और मॉल में देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने जो लिया है वो गर्मियों को देखते हुए ये कुर्ता सेट, ये प्योर कॉटन का कुर्ता सेट है जिसको मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ,
गाइस ये है वो कुर्ता सेट। इसका डिज़ाइन एकदम अलग है, फैब्रिक प्योर कॉटन में है, गर्मियों के लिए समर के लिए अप्रिएट है। ये देखिए आप इसे डेली वेयर में पहन सकते हो, मार्केट जा रहे हो, कॉलेज गोइंग गर्ल हो तब भी आप इसे पहन सकते हो। ये देखिए क्वार्टर हाफ स्लीव्स है, इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट कॉटन में है, धुलने के बाद और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके का प्रिंट इसका एकदम यूनिक है, ब्लैक में है एंड इसके डिज़ाइन पूरे में ओवरऑल ऐसा ही है। यहाँ पे स्लीव कट दिया गया है, कट वाला है एंड पीछे इसका जो है इस तरीके का गला है, छोटा सा गोल गला है और आगे की तरफ ये बटन वाला गला है इस तरीके का। अच्छा लग रहा है पहनने पे, दिख जाएगा आपको ये कैसा लग रहा है। इसके साथ में दुपट्टा नहीं है, इसके साथ में ये प्लाजो दिया गया है, फुल्ली इलास्टिक प्लाजो। प्लाजो जो है वो प्योर कॉटन में है, काफ़ी अच्छा है। प्लेन है तो ये रहता है कि किसी और में भी चला जाएगा, तो ये इसके साथ में है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसे भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट जो है वो भी एक कुर्ता सेट है, चलिए दिखाती हूँ। सबके कलर बहुत ही अच्छे हैं। इसका देखो ये था कुछ नेवी ब्लू है और ये ब्लैक में और कुछ ग्रे में एंड ये पैरेट ग्रीन, डार्क पैरेट ग्रीन में है। ये भी काफ़ी सुंदर है, चलो दिखाती हूँ। ये रहा इसका डिज़ाइन, थोड़ा अलग है इसलिए मैंने इसे खरीदा था। इसकी फॉइल प्रिंट है थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही फॉइल प्रिंट है। ये वाला जो है, ये वाला जो दिख रहा है ना हिस्सा, ये फॉइल प्रिंट है। क्वार्टर हाफ स्लीव्स है, प्योर कॉटन में ये कुर्ता है एंड इस तरीके का वी नेक दिया गया है इसमें। पीछे इसका छोटा सा ही नेक दिया गया है और इसका सबसे अच्छी डिज़ाइन मुझे अच्छी लगी। यहाँ पे कोई फ्रॉक जैसा घेर दिख रहा है और फ्रॉक जैसा ही है, साइड बीच में बस ये कट दिया गया है इसलिए मैंने लिया है। क्योंकि जब इसका पैंट पहनेंगे ना तो बीच की जो कट है उससे जो पैंट का लुक आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो इसके साथ में जो पैंट आया है ये जिगजैग प्रिंट में आया है जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा। फुल इलास्टिक है, इसकी फुल्ली इलास्टिक है और इसमें पॉकेट नहीं दी गई है, एकदम सामने ही दी गई है। ये प्लाजो है देखो कितना चौड़ा है। गर्मियों में ऐसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, ट्रायल हॉल में पता चलेगा कि आपको कैसा लग रहा है। बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, आप ज़रूर खरीदिएगा। लिंक सारे मिल जाएंगे, वॉकिंग कर लेना। एक और कुर्ता सेट है जो कि मैंने लिया है प्योर कॉटन में एंड गाइस ये जो है एकदम अलग डिज़ाइन है इसका भी। जितने भी कुर्ता दिखा रही हूँ सबकी डिज़ाइन पैटर्न कलर्स सब अलग अलग है, बहुत ही प्यारे हैं। इस बार का हॉल आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये रहा, ये प्योर कॉटन में कुर्ता है, यहाँ पर छोटा सा कॉलर जैसा बना हुआ है एंड ये इस तरीके का नेक है, अफगानी नेक होता है ना थोड़ा सा उस डिज़ाइन में। ये देखिए इस तरीके का काफ़ी सुंदर लग रहा है। वी गला जो पहनोगे ना तो लुक काफ़ी अच्छा आता है। ये क्वार्टर हाफ स्लीव से स्लीव में भी देख लीजिए, यहाँ बलून जैसा भी डिज़ाइन दे दिया गया है। यहाँ का फूला फूल चुनटे पड़ी हुई है, एक अलग सा डिज़ाइन बन गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कॉटन फैब्रिक है, प्रिंट बहुत अच्छा है एंड गाइस इसमें कलर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मतलब कई कलर हैं इसमें, 5 से 6 कलर आपको मिल जाएंगे जैसा आप चाहो। ये वाला कलर मेरे आंखों को बहुत ज़्यादा आराम दे रहा था तो गर्मियों के हिसाब से ये लाइट कलर काफ़ी अच्छा है। ये कुर्ता है, इसके साथ जो पैजामा है ये भी बिल्कुल यूनिक है अलग, क्योंकि इसकी पैजामे में नीचे इस तरीके का अफगानी सलवार टाइप की दी गई है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप इसे डेफिनेटली खरीदिएगा, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है, अंडर 500 ही ऐसा है, 500 के ही है अंदर, तो आप इसे ले सकते हो। बहुत ही अच्छा कुर्ता सेट है, ट्रायल हॉल में आप देखोगे कि ये कैसा लग रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट पीस है जो कि वाकई में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा था कि ये इतना ऊंचा अच्छा ना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम रेट में था। जब पैसे कम होते हैं तो ऐसा लगता है कि चीज़ पता नहीं कैसी आएगी, लेकिन इसके लिए तो मैं डेफिनेटली 100% आपसे कहूँगी जरूर बाई करिए, मस्ट बाई है। ये आप छोटा मोटा घर में फंक्शन है तब भी आप पहन सकते हो और ये इतना सस्ता मुझे मिल जाएगा मुझे पता नहीं था, लेकिन हाँ वाकई मेरा दिल छू लिया इसने। ये है ये कुर्ता, इसका कुर्ता जो है प्लेन सा नहीं है, यहाँ पे पूरा ये धागे से जिगजैग किया गया है, तो एक पैटर्न बन चुका है इस तरीके का जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसका ये वी नेक है, छोटा सा वी बना हुआ है नीचे की तरफ और ये क्वार्टर हाफ स्लीव्स। आप इसका प्रिंट देखिए कितना प्यारा है, साथ साथ ये जिगजैग वाली डिज़ाइन जो कि धागे से की गई है, पूरे में ये धागे से ही है और छोटे छोटे सीक्वेंस से भी लगे हुए हैं, पास से देख रहे हैं देख सकते हैं आप लोग। एंड ये नॉर्मल कुर्ता होता है वैसा ही है,
पहनने पर लुक आपको समझ में आ जाएगा। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके साथ में ये प्लाजो मिला हुआ है, ये भी प्रिंटेड प्लाजो है और फुली इलास्टिक है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये कलर इसका बहुत ही प्यारा है। सारा जो कुर्ता सेट है, जितने भी मैंने दिखाया आपको, सारे समर अप्रोप्रिएट है, आप ये ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस पे है। ज़्यादातर इसमें कुर्ता सेट जो है अंडर 500 है, आप जाके विजिट करिएगा, आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे, आप उन्हें जरूर खरीदेंगे। सेल में आपको ये और भी कम रेट में मिल जाएंगे, तो मेरे दिए हुए लिंक्स को ज़रूर देखिएगा एंड खरीद सकते हैं। अमेज़न में सेल चल रही है, उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइएगा। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे रात का डिनर बनाते टाइम। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, किचन में खड़े होकर आटा गूंथने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैं हॉल में आ गई थी, फ़ैन चला लिया था और फ़ैन चलाते हैं फ़ैन के नीचे ही बैठ के आटा गूंथ रही हूँ। यहाँ पे दक्ष इंतज़ार कर रहा है कि मम्मी मुझे कब आटा देगी। दक्ष ना छोटा सा आटा टुकड़ा ज़रूर खाने की कोशिश करता है, मांगता ज़रूर है, पता नहीं क्यों उसे क्यों अच्छा लगता है। तो अभी आटा गूंथ लूँगी, फिर उसके बाद आराम से बैठ कर रोटी सेकूँगी, मतलब खड़े होकर रोटी सेकूँगी। अब गर्मी हो या कुछ भी हो, आग बरसे रही, काम तो करना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पे आटा आराम से गूंथ गया था, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी, फ़ैन चल रहा था तो ठीक लग रहा था। शाम को थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा तो नहीं, बहुत हल्का सा। एंड गेट मैं आज अभी सामने खोली हूँ, अभी दस पाँच मिनट के लिए खोलती हूँ, बंद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी मेढक आ जाते हैं, मेढक और सांप वगैरह आने का बहुत डर रहता है, इसीलिए मैं बंद ही रखती हूँ, और इस वजह से घर गर्म भी रहता है। तो बस खाना बना के ले आई थी, दाल रोटी चटनी, सादा खाना बहुत अच्छा लग रहा है आजकल, लेकिन इतना भी बनाने में ना हालत ख़राब हो जाती, पसीने से पूरा तर हो जाती हूँ। तो फिर बस सब कुछ लगा दिया था, मैं थोड़ी देर में खाने आई थी, मैं सोच रही हवा ले लूँ, मैं कूलर चला के बैठ गई थी जाकर थोड़ी देर के लिए खाना बनाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने खाना खा रही हूँ, अपने हस्बैंड को खिलाया, बच्चों को दिया था, बच्चों की आधा की प्लेट रखी है और सैलेड काट लिया है। सैलेड तो पूछो ही ना, इतना अच्छा लगता है, खीरा वगैरह। तो गाइस बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और आप सभी से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताइएगा समर वेकेशन पे कहाँ गए हो, मुझे ज़रूर बताइएगा, हाल कैसे हैं आपके गर्मियों में, मुझे ये भी बताइएगा। मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।